आज मैं वांगी भात बना रही हूँ वांगी भात का। ये गरम हो गया है, 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालने का, नहीं तो चिपक जाता है मिक्सी में। 1 कटोरी चना दाल है, थोड़ा ये गोल्डन कलर आना चाहिए इसको, फिर उड़द दाल डालूंगी। लाल हो रहा है, सेम कटोरी से 1 कटोरी उड़द दाल है, आधा कटोरी से मैं सब डाल रही हूँ माप से। गया है 1 इंच जितना दालचीनी डाल रही हूँ, 5 इलायची है और 8-10 ये लवंग आई है। थोड़ा सा मेथी है, ज्यादा नहीं। ये 1.5 कटोरी धनिया है ये, और ये काली मिरी है 8, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसका सुगंध आने तक गरम करती हूँ, अच्छा खुशबू आता है इसका। पटा हो रहा है और बैड़गी का मैं मिर्ची ली हूँ, 10-12 है ये। कसकस डाल रही हूँ और थोड़ा हींग है, इसका अच्छा खुशबू आ रहा है। बंद करती हूँ, ठंडा होने के बाद मिक्सी में डालती हूँ पाउडर, मिक्सी में पीस लेती हूँ, मैं हल्दी डाल के पीस लेती हूँ इसको। क्या है अभी कुकर में मैं बना रही हूँ, मैंने 1 कटोरी चावल लिया है, मसूरी चावल, सोना मसूरी, और 2 कटोरी पानी डाल के रखी हूँ। गर्म हुआ है कुकर, 2 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ, तेल गरम हुआ है, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा चना दाल डाल रही हूँ और थोड़ा उड़द दाल, कड़ी पत्ता, 1 सूखा मिर्ची डाल रही हूँ। चार बैंगन मैंने काट के, छोटा बैंगन नहीं, कोई भी बैंगन डाल सकते हैं। फ्रोजन मटर डाल रही हूँ थोड़ा सा, अरे चावल डाल देती हूँ। अभी वो पाउडर बनाया वो 2 चम्मच डाल रही हूँ, स्टोर करके 1-2 महीना तक रख सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक। एकदम धीमे पे रखी हूँ गैस को मैं, और 1 सीटी करूँगी इसका, अच्छे तरह से मिक्स करके बंद करूँगी। अभी निकालती हूँ, थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, थोड़ा डाल रही हूँ, 2 चम्मच जितना नारियल और थोड़ा सा कोथिंबीर डाल, थोड़ा
कीजिए, एकदम सिंपल है।